राइफल चोरी का मामला, आरोपी को घर से उठाकर ले गई पुलिस, कथित पिटाई से अस्पताल में हुई मौत। कोरोना महामारी को फर्जी बताने वाले दिल्ली के डॉक्टर कोठारी के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। जालसाजी के मामले में सीबीआई ने देर से की अपील तो नाराज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनाए निगरानी तंत्र। पीके के साथ मीटिंग्स की मोदी सरकार ने कराई जासूसी, सीएम ममता ने लगाया आरोप। टीएमसी सांसद शांतनु सेन पूरे सत्र के लिए सस्पेंड, केंद्रीय मंत्री के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ने का आरोप। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां महाराष्ट्र में फर्जी डाटा एंट्री कर कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाने वालों को भोजीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर महाराष्ट्र पुलिस के हवाले कर दिया है। महाराष्ट्र के थाना महकर जिला बुलडाणा की पुलिस ने भोजीपुरा पुलिस को सूचना दी कि अनिल गंगवार पुत्र छेदालाल निवासी पडरी खालसा का रहने वाला है। ये अपनी बहन प्रीति गंगवार, पत्नी जितेंद्र गंगवार के साथ मिलकर महाराष्ट्र में एक फर्जी कंपनी चला रहे, जो डाटा एंट्री की आड़ में करोड़ों का चूना लगाकर बरेली आए हैं। उनके पास से 6 डेबिट कार्ड, 1 क्रेडिट कार्ड, 4 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड और 2500 रुपए नगद बरामद किए। अनिल के ऊपर थाना महकर में 406 का मुकदमा पहले से भी दर्ज है। महाराष्ट्र पुलिस ने संयोग के SSP रोहित सिंह का धन्यवाद दिया, जिनके कुशल निर्देशन में फर्जीवाड़ा चलाने वाले गिरफ्तार किए गए। मेरी जो कंपनी का नाम है वो कॉर्बिटल बीफोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, और मैंने 2017 लास्ट में कंपनी बनवाई थी, जिसमें मेरा डाटा एंट्री का काम होता है, ठीक है, जिसमें मैं प्रोजेक्ट आउटसोर्स करता हूँ, कस्टमरों से पैसे लेता हूँ, प्रॉपर एग्रीमेंट साइन होता है, जो जैसा काम करता है उसकी वैसी बिलिंग भी होती है, जो कि बैंक स्टेटमेंट में भी होगी। जिन जिन लोगों का मैंने बिलिंग की है प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट में होगी, ठीक है। जो भी मेरे पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी इतने का महाराष्ट्र से मैंने सर महाराष्ट्र से सर जिस कस्टमर ने पेमेंट की है, उनने मेरे को सिर्फ 3 लाख की पेमेंट की थी, ठीक है, जो मेरी बैंक RBL बैंक में आई है, ठीक है। उनकी 8 लाख की बिलिंग हुई थी, जो मैं देने के लिए रेडी भी था, मेरे पास मेल भी है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी है, सब कुछ है, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। महीने में कितना कमा लेते थे आप? महीने में सर सब कुछ निकालने के बाद 50,000 से 1 लाख रुपए, सैलरी फैली सब कुछ निकालने के बाद, रेंट फेंट सब कुछ। तो आपके घर में और कितने लोग हैं? मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई। खबर है उत्तर प्रदेश के इटावा से, इटावा के भरतना में सर्व सेवा समिति के द्वारा जनता को जागरूक कर कांधेशी पचार में छठवां वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 150 लोगों ने टीकाकरण कराया। COVID-19 की तीसरी लहर को देखते हुए सर्व सेवा समिति के द्वारा जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। लोगों को खुद सुरक्षित रहें और परिवार को सुरक्षित रहने के लिए जनता को जानकारी भी दी। सर्व सेवा समिति के लोगों का उद्देश्य है भारत देश पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त देश हो। 18 साल से ऊपर वाले सभी नौजवान, बुजुर्ग, महिला जो भी वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं वो अवश्य वैक्सीनेशन कराएं, टीका अवश्य लगवाएं। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, फिरोजाबाद में पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रबंधक राजीव अग्रवाल ने माताजी के 74वें जन्मदिन पर गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों को भोजन कराया। वहीं जसराना के गुरुकुल में बच्चों के साथ खेलकूद व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के बीच उन्हें भोजन कराया, साथ ही उन्हें एक वर्ष की पठन सामग्री का भी वितरण किया गया। शिकोहाबाद रोटी बैंक संस्था पर आकर परिवार के चारों भाइयों ने परिवार सहित एक दिन की भोजन की व्यवस्था कर माँ के हाथों द्वारा गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों को भोजन कराया। इस अवसर पर सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। 22 जुलाई का दिन हमारे परिवार में बहुत प्रमुख दिन है, क्योंकि आज हमारी माँ का जन्मदिन होता है। आज 22 जुलाई 2021 को हमारी माँ 74 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हैं। आज इस खुशी के अवसर पर हमारे पूरे परिवार ने, चारों भाइयों और उनकी फैमिली ने मिलकर के रोटी बैंक में एक दिन की भोजन की व्यवस्था की, उनके हाथों से सबको खाना खिलवाया। इसके पश्चात जसराना गुरुकुल में आकर के हम लोगों ने पहले उनकी दीर्घायु और स्वस्थ रहने के लिए हवन का आयोजन किया गया। तत्पश्चात यहाँ 60-70 बच्चे हैं गुरुकुल में, उन सभी बच्चों को उनके हाथों से सब पूरे परिवार ने भोजन कराया। तत्पश्चात बच्चों के साथ में बैठ करके खेलकूद का सामान उनको वितरित किया गया, बच्चों के बीच में प्रतियोगिताएं कराई गईं और पूरे एक वर्ष की पठन सामग्री उन बच्चों को प्रदान की गई। हम आपके चैनल के माध्यम से
दर्शकों को केवल ये कहना चाहते हैं कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो माता पिता हैं, वो हमसे कुछ नहीं चाहते। उन्होंने अपना सब कुछ तो हमें दे दिया है, वो केवल सम्मान चाहते हैं। उनको खुशी देने का काम हम कर सकते हैं। उनकी दुनिया से जाने के बाद हम बड़े बड़े त्रयोदशी संस्कार और बड़े बड़े आयोजन करते हैं, शायद वो देखने नहीं आते, लेकिन उनके जीवित रहते में अगर हम ये सब काम करेंगे तो शायद उनको ज़्यादा खुशी मिलेगी। बस यही सबसे अनुरोध है कि माता पिता बाबा दादी के जन्मदिन के अवसर पर शुभ कार्य जरूर करें। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से। एटा में बारिश से ईशन नदी उफान पर, आसपास के गांव सहित एटा शहर में दर्जनों गांव के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं शहर की कॉलोनी तालाबों में तब्दील हो गई। पूरे शहर के जल निकासी के नालों का पानी इसी नदी में आता है। जिला अधिकारी अंकित अग्रवाल के निर्देश पर अपर जिला अधिकारी विवेक कुमार मिश्र व उप जिला अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री नगर पालिका ईओ की देखरेख में आगरा रोड पर ईशन नदी की सफाई हो रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।